कंपनी है, अच्छा कंपनी है बहुत, और इसमें बंदे भर्ती के लिए खड़े ही रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अगर इंटर कर रखा हो तो उनका सैलरी क्या देंगे? इंटर कर रखा हो उसका सैलरी, पहले काम कर चुके हैं 3-4 महीने कर। अच्छा कंपनी सही है, सही है, कंपनी अच्छी है। तो हेलो गाइज, वेलकम, माय स्वागत है फिर एक नई अपडेट के साथ, नई जॉब के साथ। तो जी गाइज, हम आज आपको आए हुए हैं सेक्टर आपको 87 में, और हमारे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं आपको ये केंट आरो ये कंपनी है। और इस कंपनी में अभी फिलहाल में अभी भर्ती अभी चल रहा था और अभी उन्होंने मना कर दिया। तो चलते हैं अभी, हम यहाँ पे जानकारी भी लेंगे और ये चीज बात भी करेंगे। तो इसमें कंपनी में जो जॉब चल रहा है किस पैमाने पर चल रहा था और कंपनी क्वालिफिकेशन क्या होता है, कंपनी में काम क्या होता है, हम अभी ए टू जेड बात करेंगे। तो वीडियो के साथ साथ बने रहें, और हाँ अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लें, आई होप आप नए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि किसी जरूरतमंद को जॉब मिल पाए और उनको भी जानकारी मिल पाए और उनको भी अपडेट मिल पाए। तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी भैया लोग यहाँ पर जो जॉब हायरिंग के लिए अभी यहाँ पर मौजूद थे और आए थे यहाँ पर, देख सकते हैं। चलिए अभी हम इनसे बात भी करेंगे तो इनमें आज क्या हुआ जो केंटारो में आए थे जॉब के लिए, तो वीडियो के साथ साथ बने रहें। कहाँ से भैया आप? कासगंज से। अच्छा, इसमें केंटारो में क्या जॉब करते थे क्या पहले? हाँ करता था। अच्छा कितने दिन पहले? हो गए 4-5 महीना पहले। अच्छा अच्छा, कितने साल किए थे इसमें? 6 महीना। अच्छा, इसमें कंपनी क्या काम करती है? आरओ बनाती है, रोटी मेकर बनाती है और कई आइटम है, घरेलू आइटम बहुत सारे आइटम बनाती है अपने लिए, और उसको पैकिंग करना होता है और लाइन पे काम करना होता है, और ये बस सर। अच्छा अच्छा, इसमें बात करते जैसे इसमें भर्ती अभी चल रही है क्या? हाँ चला था भर्ती, अब बंद हो गया, पर 2-3 दिन बाद चलेगा। अच्छा, भर्ती चलते रहता है ऐसे बीच बीच में? कोई कन्फर्म नहीं होता है कब भर्ती चले, 2-1 बंदे या 10 बंदे लेते हैं। अच्छा, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अच्छा कंपनी है बहुत, और इसमें बंदे भर्ती के लिए खड़े ही रहते हैं। अच्छा, अभी बात हुआ था उनसे क्या बता रहे थे? अभी बात हुआ था तो कह रहे थे 1 तारीख को भर्ती चलेगी कन्फर्म। अच्छा अच्छा, इसमें बात करते हैं जैसे इसमें कई बार ऐसे कमेंट हमारे पास करते हैं तो मतलब कंपनी मतलब क्वालिफिकेशन क्या मांग रही है अभी? ITI से भी लेते हैं और हाई स्कूल इंटर, आधार कार्ड से भी होता है, वो FG स्टोर होता है लोडिंग अनलोडिंग आधार कार्ड से, और यही सब है। एज लिमिट क्या होगा इसमें? लास्ट तो होगा 40-45 तक। अच्छा 40 तक ले लेते हैं? हाँ 40 का बंदा लेते हैं, वो लेते हैं FG स्टोर में। अच्छा, अच्छा। लोडिंग अनलोडिंग के लिए। अच्छा अच्छा, और जो लाइन पे बंदे लेंगे वो लेंगे 18-19-20 से 25 तक। अच्छा, ये क्वालिफिकेशन मान लीजिए कोई अगर इंटर कर रखा हो तो उनका सैलरी क्या देंगे? इंटर कर रखा हो उसका सैलरी लगाएंगे 11.5 से 12 तक। अगर ITI कर रखे तो जाके ITI डिप्लोमा तो सैलरी अच्छा मिल सकता है? ITI डिप्लोमा किए होंगे तो 13,000-14,000 सैलरी लगाते हैं। OT भी लगता है इसमें? OT नहीं लगता है, OT नहीं लगता है। 8 घंटा चलती है प्रॉफिट। अच्छा, अच्छा, और इससे अपना पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो और कोई भी काम है कर सकते हो। अच्छा, इसमें क्या बोलते हैं इसमें ये इसमें मतलब कोई बंदा अगर मान लीजिए अगर वो आना चाहेगा तो क्या आ सकता है क्या? हाँ आ सकता है। अच्छा, कहीं भी। अच्छा, ये लोकेशन क्या होगा इसका? लोकेशन होगा 88 सेक्टर। अच्छा, तो कैंट आरओ डालोगे इसका लोकेशन पूरा आ जाएगा। अच्छा, इसमें वो भी कैंटीन भी है? कैंटीन भी है, कैंटीन का 15 रुपये काटता है। अच्छा, इसका चार्ज 15 रुपये काटते हैं? 15 रुपये काटते हैं। अच्छा, खाना पूरे तीनों टाइम मिलता है या एक टाइम मिलता है? खाना 2 टाइम मिलता है। अच्छा अच्छा, एक टाइम चाय और मट्ठी मिलता है और दूसरे टाइम फिर वही खाना है, खाना एकदम बढ़िया है। और मंगल या बिस्कुट को आओगे मंगलवार को तो एक मिठाई देता है और एक फल देता है खाने के लिए। बाकी कंपनी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कंपनी एकदम मस्त है। अच्छा अच्छा, फिर बुलाया है 1 तारीख को? 1 तारीख को बुलाया है। अच्छा, नाम क्या भैया आपका? मेरा नाम है अजय। अच्छा, थैंक यू भैया। तो देख सकते हैं ये भैया यहाँ पे जॉब के लिए आए हुए थे और यहाँ पे अभी फिलहाल इसमें अभी वैकेंसी नहीं चल रहा है और इन्होंने बात किया तो इन्होंने बताया तो यानी कि लगभग आपको 1 तारीख के डेट में आपको इसमें वैकेंसी रहेगा। तो चलिए अभी यहाँ पे भैया और मौजूद है, चलिए अभी हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे अभी है, चलिए अभी हम इनसे बात कर रहे थे। जी जी, अच्छा क्या बताए? भर्ती नहीं चल रही कह रहे हैं। अच्छा, कब बताए थे भर्ती होगी? अब 1 तारीख को लगभग। अच्छा, इस कंपनी में इसे पहले काम किए थे या पहली बार आए? हाँ पहले काम कर चुके हैं 3-4 महीने कर। अच्छा कंपनी सही है? सही है, कंपनी अच्छी है। अच्छा अच्छा, कितना सैलरी दे रखा आपको? उस टाइम सैलरी थे 12,218 रुपये थे। अच्छा अच्छा, पढ़ाई लिखाई क्या किए हैं आप? मैं तो BEd कर रखा हूँ ITI। कहाँ कराने वाले भैया? गाजीपुर उत्तर प्रदेश। नाम क्या बाबा? नीतीश कुमार। थैंक
थैंक यू भैया। तो देख सकते हैं ये भैया ऑलरेडी इसमें पहले भी इसमें काम कर चुके थे और पहले दोबारा यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए आए हुए थे। तो गाइज आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए जॉब के साथ। आज के लिए बस इतना ही, सो थैंक।